गैस की लोड शेडिंग, सूबाई दारुल हुकूमत में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर, कोयले की मांग भी बढ़ गई, टॉल्स मालिकान के अपने रेट, लकड़ी 800 से 900 रुपए फी मन में फरोख्त, कोयला भी 70 रुपए किलो महंगा हो गया, गैस मिलती नहीं मजबूरन लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, शहरियों के शिकवे। फिजाई सफर भी महंगा हो गया, कौमी एयरलाइंस समेत निजी एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया, सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों को रिलीफ देने में नाकाम। कायद गिरफ्तार, सीनियर रहनुमाओं की पुरस्कार खामोशी, बल्दियाती सियासी सूरत हाल नून लीग के लिए परेशान कुन, यौम तासीस में सीनियर रहनुमाओं की अदम दिलचस्पी, यौम तासीस की तकरीब सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म, हमजा शहबाज मरियम नवाज लाहौर में मौजूद मगर तकरीब में ना आए, सरदार अयाज सादिक शाहिद खाकान अब्बासी अफजल खोखर भी ना पहुंचे, चंद अरकान ही नारे लगाते रहे, कारकुनों में तश्वीश। तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बना सकती है, अब्दुल अलीम खान का दावा, शहबाज शरीफ खुशी मनाए, उनके अलीबाबा और 40 चोर काबू में आ गए, आसिफ जरदारी की सिंध कार्ड खेलने की कोशिशें नाकाम होंगी, सीनियर सूबाई वजीर की गुफ्तगु, अब्दुल अलीम खान से नौ बल्दियाती अराकीन और साबिक नाजमीन मियाँ इफ्तकार और आमिर खलील की मुलाकात। सिंध हुकूमत तोड़ने की कोशिश हो रही है, भरपूर जवाब देंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी मंजूर का असगर खान केस फौरी खोलने का मुतालबा, हसन मुर्तजा बोले 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज नहीं लग सकता। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात, पोलिंग खत्म होने में एक घंटा बाकी, प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट पैनल आमने सामने, सदर की नशिस्त पर प्रोग्रेसिव के मियां शहबाज जबकि जर्नलिस्ट पैनल के अरशद इंसारी में कांटेदार मुकाबला। सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया, कीमतें भी बढ़ गई, चिलगोजा 6000 रुपए किलो, अखरोट करी 800 रुपए, खुबानी 1400 रुपए और अमेरिकन बादाम 2000 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे।